एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर जो कि दूसरी वीडियो शाम की पड़ रही है, इसमें उन प्रश्नों को लिया गया जो आप लोगों के द्वारा काफ़ी पूछे गए थे। कुछ प्रश्न यदि छूट गए होंगे तो उसको अगली वीडियो का वेट करें, उसमें वो उसकी अपडेट दे दी जाएगी। चैनल पर यदि पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके। बेल आइकन को प्रेस किए रहें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। सबसे पहली खबर जो AGTA भर्ती में लेट होने के आसार है, क्योंकि AGTA विज्ञप्ति को जारी होने में 900 कुछ पदों को जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से UPSSC के बीच में जो रुका हुआ है तो इसके लेट होने के चांस है। और इसमें ये भी बता दें कि जो AGTA की भर्ती है ये लगभग जो है कम से कम अभी टाइम लग सकता है कुल मिला के 1 महीने अप्रॉक्स में, ये मान के चलिएगा, तब जाके विज्ञप्ति जो है देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल इसको वेट करिए थोड़ा सा। हाँ, ये है कि विज्ञप्ति जारी होगी UPSSC से, इसको लेकर के काम UPSSC बहुत तेज़ी के साथ करेगा, तो कुल मिला के विज्ञापन आने में जो है अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद जो है जैसे ही विज्ञापन को लेकर काम शुरू हो जाएगा वो अपडेट आपको चैनल पर दे दी जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब किए रहें क्योंकि किसी भी वक्त अपडेट इस पर जो है आएगी तो वो अपडेट सबसे पहले चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो इस महीने में जो है तो फिलहाल इसका आने का कोई चांस नहीं है। हाँ, ये है कि अक्टूबर में कब तक आएगी तो वो पहले बता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ब्लैक एजुकेशन ऑफिसर विज्ञप्ति को लेकर के जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आनी है, इस पर जो क्वेरीज थे इसमें क्या अपडेट है। तो अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से APS की विज्ञप्ति 19 तारीख को जो है फाइनली फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद RO का है, फिर उसके बाद जो है LT ग्रेड विज्ञप्ति और BO की विज्ञप्ति को लेकर के जो है आयोग में 100-130 पदों का जो है यथियाचन लगभग जो है ब्लैक एजुकेशन ऑफिसर का है। अब इसको लेकर के थोड़ा सा ये है कि आयोग को प्राथमिकता के तौर पर कार्य जो करना होता है शासन स्तर से ही, जैसी भी वहाँ से हरी झंडी होती है उसी को लेकर आयोग जो है उसी क्रम में कार्यों को करता है। तो अब ये समझ लीजिए कि आयोग के द्वारा जो है APS उसके बाद RO की विज्ञप्ति जब आ जाएगी तो LT ग्रेड को लेकर के जो है विज्ञप्ति आने की जो है जो कि नवंबर के मिड के बाद जो है उस पर शार्ट नोटिस जारी हो सकती है जो जानकारी है। वहीं ब्लैक एजुकेशन ऑफिसर की जो भर्ती वो अटेंडम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा के द्वारा आएगी बिना किसी सूचना के। हाँ, ये है कि इसी वर्ष जो है ये विज्ञप्ति जारी होगी, ये कंफर्म है अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार। ये निश्चिंत रहिए, विज्ञप्ति इसी पे आएगी। पदों की संख्या के बारे में आपको बताया, लगभग 130 पदों पर विज्ञप्ति आ सकती है ब्लैक एजुकेशन ऑफिसर्स की। अब दूसरी जो तीसरी खबर पर चर्चा थी वो जो पूछा गया था क्वेश्चन कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो RO विज्ञप्ति, तो इसमें भी थोड़ा सा भी लेट होगा। जैसे कि पहले की वीडियो में बताया गया था कि कुछ पोस्टों को लेकर जब तक क्लियरेंस नहीं होता शासन और जो हाई कोर्ट के उसमें, तब तक जो है इस विज्ञप्ति में थोड़ा सा लेट होगा। हाँ, ये है कि पद जो है अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, ये चीज़ें पहले भी आपको वीडियो में बताई गई थी। पदों की संख्या जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा ठीक उल्टा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के अच्छे पद देखने को मिलेंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सहायक समीक्षा अधिकारी के अच्छे खासे पद जो है देखने को मिलेंगे। इसलिए इसमें थोड़ा सा जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी इसको लेकर के जो है अपडेट यही है कि विज्ञप्ति हाल फिलहाल में तो आने वाली नहीं, क्योंकि पहले की जो अपडेट थी आपको बताया गया, लेकिन जैसे ही अपडेट में कोई चेंज होता है वो भी चीज़ें आपको बताना जो जरूरी होता है। इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें, विज्ञप्ति तो अच्छी खासी देखने को मिलेगी इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो है RO और ARO की, तो ARO के अच्छे खासे पद जो है रहेंगे। इसलिए जो है जितनी जो भर्तियां होती हैं भर्तियों में जो अपडेट होता है लास्ट तक जो है विज्ञप्ति जब तक जारी होती पद जो है ऐड हो जाते हैं, तो कुल मिला के अच्छे खासे पद रहेंगे। तो इंतजार करिए, ज़्यादा इंतजार नहीं, 1 महीने से के अंदर ही विज्ञप्ति आ जाएगी। इसमें भी अगर कोई जल्दी अपडेट होती है तो फिर वो आपको चैनल पे दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती रिजल्ट को लेकर के, तो ये रिजल्ट जो है जैसे कि पहले की वीडियो में बताया गया था कि बिहार शिक्षक भर्ती की तरफ से नोटिस भी थी कि परिणाम जो है BTC का वो जारी होगा, बाकी BED वालों को रोका जाएगा। परिणाम जो है बहुत ही जल्द जारी करने जा रहा है BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी फिलहाल जो जैसे एग्जाम होना है PT का 69 BPSC का, उसके बाद जो ये परिणाम भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन BED वालों का परिणाम जो है वो रोका जाएगा। अब बात कर लेते हैं LT ग्रेड को लेकर के, जो काफ़ी क्वेरीज थी LT ग्रेड की, जो फाइल थी वो निदेशालय पहुँच गई है और इसको लेकर के पहले भी आपको अपडेट दिया गया था, फिर भी कुछ लोगों की क्वेरीज थी। तो LT ग्रेड की फाइल हम निश्चिंत रहे, फाइल जो है निदेशालय जो है वो पहुँच गई है। अब इसके बाद आगे की जो प्रक्रियाएँ हैं वो तेज़ी के साथ होगी और बाकी नई विज्ञप्ति के बारे में ऊपर चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन ये कि पोर्टल के संदर्भ में जो है अभी थोड़ी सी अपडेट जो है उसके लिए फिर बाद में जो है दिखा दिए बताया जाएगा जैसे ही अपडेट हो जाती है। इसलिए ये पूरी तरह से जो है जानकारी जैसे है उसके अनुसार जो है फाइल जो है वो निदेशालय पहुंच गई है और इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करिए, बाकी की और अपडेट जैसे क्लियर होती वो भी बता दीजिएगा। अभी फिलहाल की जो जानकारी है वो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, तो निश्चिंत रहें, कोई भी खबरें जो होंगी वो ऑथेंटिक होती हैं तभी डिलीवर की जाती हैं। हाँ, खबरों में कोई परिवर्तन होता तो वो भी अपडेट के माध्यम से दे दिया जाता है, इसलिए खबर जो होती है ऑथेंटिक होती कब। और आयोग की कार्य प्रणाली को अच्छे से जानते हैं कि आयोग अपनी कार्य प्रणाली को जो है एक तय समय को मानक मान के चलता है, जिसकी जानकारी जो है वो शासन स्तर से जो भी जो उसी अनुसार जो चेंजअप होते रहते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल, फिर मिलते हैं अगले बिग अपडेट के साथ जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। खबरें छोटी होंगी या बड़ी होंगी यदि आपके काम की होंगे तो जरूर आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो जब पड़े तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले।